सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज रमेश विश्वकर्मा और आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो आईपीएस डिस्प्ले होता है या फिर जो एलईडी डिस्प्ले होता है, तो क्या हम एज अ टीवी को एज अ मॉनिटर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर हम करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और कोशिश करेंगे कि ये भी देखने की कि कितने इंच की टीवी अगर हम यूज करेंगे तो हमें वो जो एक प्रॉब्लम आती है पिक्सलेशन वाली, क्योंकि 1920 and 180 का जो एक रेशियो है पिक्सलेशन का वो नॉर्मली मेंटेन रहता है, बट जितना साइज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा पिक्सलेशन ज्यादा होता जाएगा, ऐसा देखा गया है, और ये चीज हमेशा होता रहता है। अब टीवी का जो रूल है और जो मॉनिटर का रूल है, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग में, वो बेसिकली मॉनिटर सिर्फ आपको लॉन्ग एरिया में बैठ के काम करने के लिए डिजाइन किया। टीवी में क्या है कि वो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके देखने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो सबसे पहला डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है मॉनिटर और टीवी में, मॉनिटर में क्या होता है, जो कलर और एक्यूरेसी होती है वो कोशिश की जाती है बैलेंस रखने की, लेकिन टीवी में ऐसा नहीं होता है। टीवी में हमें चीजों को बहुत ज्यादा जो है सैचुरेशन वे में दिखाया जाता है, उसके कलर्स काफी ज्यादा सैचुरेटेड होते हैं, उस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसकी कलरिंग इस हिसाब से प्रेजेंट की जाती है कि कॉन्ट्रास्ट और वाइट जो बैलेंस है और ब्राइटनेस वो मेंटेन रहे, और इस हिसाब से मेंटेन ना रहे कि आपको अच्छा लगे, बल्कि इस हिसाब से मेंटेन रहे क्योंकि आपको बस देखने में मजा आए। वहां पे ये चीज कभी नहीं फोकस की जाती है कि हमें आपको लॉन्ग टर्म वहां पे बैठ के काम करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नॉर्मली मैं मॉनिटर पे हूँ, ये मेरा जो है वो डेल का मॉनिटर है, यू कैन सी वेरी इजली, और थोड़ा सा ब्राइटनेस है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पास लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसे तो अब विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पिक्सलेशन बहुत ही कम है और बिल्कुल भी क्लियर इमेज है इस इतने जूम पे, मतलब यहाँ पे मैं इतना पास में गया हूँ। मैं और ज़्यादा अगर पास जाऊँ, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत पास कर दिया है, थोड़ा सा दूर का, तो अब देखिए आपको इतना पिक्सलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए पिक्सलेशन आपको यहाँ पे, अगर इतने ही जूम पे मैं टीवी में जाऊं, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज्यादा पिक्सलेशन है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए सारे पिक्सल कितनी इजिली जो है विजिबल हैं, यहाँ तक कि जो टेक्स्ट हमारा है वो टेक्स्ट भी अच्छे से दिख नहीं रहा है और वो ब्लरिश दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए ये टेक्स्ट हमें पढ़ने में नहीं। और दूसरी चीज़, अगर कलर की बात करें तो मैं अगर आपको एक साथ दिखाऊं तो देखिए, और जैसे मैं आपको बताया था कि इसका कलर और टीवी कलर, ये देखिए ये वाला कलर ज़्यादा ब्राइट है और इसके सैचुरेशन है बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, बट ये आपको लाइट वेट और जो ही बैलेंस कलर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। और आप देखिएगा, ये देखिए कलर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये ज़्यादा ऑकर येलो साइड है, जो टीवी का जो है वो ऑकर येलो शेड में लग रहा है और ये येलो में लग रहा है, तो ये चीज़ें डिफरेंस होती हैं। सेम है, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं मैं दिखा रहा, बट ये होता है डिफरेंस टीवी और मॉनिटर का जो मैंने आपको दिखाया था। मोस्टली क्या होता है कि टीवी लॉन्ग डिस्टेंस पे देखी जाती है, और टीवी देखने का जो डिस्टेंस बनाया जाता है वो भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है कि आप लोग अगर कोई भी टीवी यूज करते हैं, सपोज दैट आपके घर में नॉर्मली 32 इंच की एलईडी टीवी यूज होती है, तो अगर आप एज अ बस टीवी यूज करते हैं उसको, तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके यूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम घर में अपने कोई टीवी यूज करते हैं या टीवी देखते हैं, बेडरूम में देखते हैं, तो हम फ्रंट वॉल पे उसको इंस्टॉल करवाते हैं और अपने बेड पे बैठ के देखते हैं, या फिर ड्राइंग रूम में अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो अपने सोफे पे बैठ के देखते हैं, तो एक करीब 9 से 10 फीट की दूरी जो है वो डिस्टेंस मेंटेन रहती है। या मोस्टली कितना भी ज्यादा लोग अगर साइड में देखते हैं या फिर फ्रंट व्यू में होके देखते हैं टीवी को, तो वो मोस्टली कम से कम एक जो डिस्टेंस है वो 6 फीट का होता रहा है दोस्तों। लेकिन मॉनिटर में ये चीज नहीं है। मॉनिटर में क्या होता है कि आपको वहां पे पास में बैठ के काम करना होता है, जैसा कि मेरे पीछे आप मेरे सेटअप पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी डिस्टेंस है वो मुश्किल से 2 फीट है, और आईज का जो फोकस लेंस होता है, हमारा जो फोकस डिस्टेंस होता है, वो आपको पता है हमारे आईज से अगर हम कोई चीज रीड करते हैं, कोई चीज हमें अगर पढ़ना होता है, कोई चीज देखना होता है, विजुलाइज करना होता है नॉर्मली टेक्स्ट या कोई डिजाइन,
तो उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर सी होती है। तो काम करने के लिए हमें मैक्सिमम 1 फीट की दूरी चाहिए अच्छे से विजुलाइजेशन के लिए, लेकिन टीवी में दूरी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टीवी का जो कलर होता है वो हाई कॉन्ट्रास्ट कलर होता है। अब हम आपको बताते हैं क्या हम टीवी को ऐसा मॉनिटर यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और क्या हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो मैंने आपको अभी तक डिफरेंसेस बताया उससे आपको कहीं हद तक समझ में आ गया होगा कि आपको टीवी को एज अ मॉनिटर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, नॉर्मली जितने भी मॉनिटर्स आते हैं, अगर हम 4K को थोड़ी देर साइड में रखें तो 1920x1080 इसी के रेशियो में आपको फुल HD का जो है वो पिक्सलेशन देखने को मिलता है। तो आपको पता होगा कि जितनी छोटी टीवी होगी, साइज जितना कम होगा उतना ज्यादा ही वो क्लियर विजिबल होगा और पिक्सलेशन नहीं होगा। बट मोस्टली टीवी हमारे घरों में 32 इंच की होती है, मॉनिटर हमारे छोटे होते हैं। तो आपको सबसे पहला जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो पिक्सलेशन का देखने को मिलेगा, और इसका जो व्यू है आपको कैसे देखने को मिलेगा मैं आपको अभी विजुअल तरीके से इसको दिखाऊंगा। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें मॉनिटर को पास में रख के यूज करना पड़ता है। मॉनिटर के कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और टीवी की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती है। उसमें सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट को काफी बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जाता है ताकि आपको मूवीज वगैरह देखने में, सॉन्ग वगैरह सुनने में कलर्स काफी ब्राइट और अच्छे लगते हैं देखने में। बट ये चीजें मॉनिटर में यानी डिजाइनिंग करते समय या कंप्यूटर पर कोई वर्क करते समय लागू नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें चीजों की एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है। हमें कलर्स, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का जो एक बैलेंस फीचर होता है वो हमें चाहिए होता है अपने काम को अच्छे से करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग हम ये चीजें कह सकते हैं कि हम टीवी को एज अ मॉनिटर यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन किन कंडीशंस में, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। क्या हम सभी टीवी को यूज नहीं कर सकते? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको टीवी को एज अ मॉनिटर यूज करना है तो आपको एक चीज और डिफरेंस देखना जरूरी है। दूसरी चीज होती है रिफ्रेश रेट। टीवी का रिफ्रेश रेट हमेशा मॉनिटर से कम होता है। जैसे कि अगर आप लोग हाईली ग्राफिक्स कोई काम करते हैं, सपोज दैट आप लोग डिजाइनर हैं और अगर आप लोग इलस्ट्रेटर वगैरह यूज करते हैं या फिर आप लोग गेम खेलना बहुत पसंद है तो आपको हाई रिफ्रेश रेट वाले गैजेट के साथ जाना पड़ता है, जो कि मॉनिटर में इजिली हमें अवेलेबल हो जाता है। बट टीवी में हमें हाई रिफ्रेश रेट देखने को जल्दी नहीं मिलता है। आपको ज्यादा महंगे जो है ब्रांड में जाना पड़ेगा या फिर ज्यादा महंगा मॉडल आपको उसके लिए परचेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको हाईर रिफ्रेश रेट मिलेगा। बट मॉनिटर में नॉर्मली, क्योंकि वो उसी के लिए बेसिकली डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उस हिसाब से मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट होगा वो हमें मैक्सिमम मिल जाता है अच्छे रेट पे। ऑन दिस पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हम टीवी को ऐसा मॉनिटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे डिफरेंसेस हैं जो काफी फैक्चुअल हैं, और ये डिफरेंसेस के साथ आप कोई चीज आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग एज अ मॉनिटर कोई चीज यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, तो आप लोग 4K में जाएं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। जैसे कि टीवी को आप लोग अगर मॉनिटर में इंक्लूड करेंगे तो आपको काफी अच्छा OLED मॉनिटर मिल जाएगा जो काफी बेहतरीन होता है काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें जरूर बताइएगा आपको एंड तक ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें लगता है कि हाँ हमें कुछ चीजें सीखने को मिली हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें थोड़ी सी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू।